इन मामलात में ना डिग्रियां नहीं, खालिस जज्बात चलते हैं बीबी। लेकिन खैर, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, एक पल में बदल जाती है पूरी जिंदगी। She's so pretty. कौन? महानूर यार, मेरा दिल आ गया इस पे यार। उन्हें लगता है कि कहीं तुम मुझे पसंद ना कर बैठो। अब कौन? मैं? मेरी बेटी को छत पर ले जाके तू कौन से तारे दिखा रहा था? तुम्हारी बेटी कौन सी परियों की मलका है? मैं क्या हो गया आपको? होना की है पुत्र, जब तक कुड़ी शह ना दे लड़के की मजाल। देख रहा हूँ मैं, आजकल बहुत खुशसर हो रही हो तुम। ऐसे पैर पटक के आई है वहां से जैसे माँ ने से कोई गोली मारी हो या तीर चलाया हो। बंदूक की गोली की तरह उड़ती भी गई है वो बदतमीज लड़की। तो वो और क्या करती है इस पुलिस चौकी के सामने बैठकर? ऐसा चंड लगाओगी ना कि मुंह भींगा हो जाएगा फॉरएवर। आप ऐसा करें, आज मारी दे चपेड़ा करना, आपको इससे सुकून मिलता है। तुम सामान लगाम दे निक्के नू, बता रही हूं मैं। आप लोग तो सुकून करें ना, ऐसा क्या कर दिया इस बेचारे ने? बहुत गलत किया तुमने। मानेगी थोड़ी है, डीट है ये, बिल्कुल अपने चाचे मुन्ने की तरह। शुक्र है कोई रिश्ता तो याद आया तुम्हें। अब्बा एक हांग नहीं भाता मुझे वो लड़का असफी। और बेटी को देखे छतों पर चढ़ चढ़ के चार तारे देख रही है उसके साथ। यार नहीं, चूहे मार गोलियां खा ली तुम्हारी बाजी ने। वो ऐसा क्या हो गया था? क्या माँ बाप की डांट पर सुसाइड? वेरी सैड। तुम जाओ फॉरन हॉस्पिटल जाओ, मैं आता हूँ। क्या कह रहे हो बेटा, किसने चूहे मार दवाई खा ली? मेरे दोस्त नहीं रही उसकी बाजी ने। माँ बाप की डांट पे, माँ बाप की डांट पे चूहे मार दवाई खा ली बच्ची ने। बहुत इमोशनल है आज की यंग जनरेशन। यंग जनरेशन तो वैसे ही बदनाम है बस। अरे अब बताओ मैं तबस्सुम जहां को क्या जवाब दूं? क्यों तुम माँ बेटी पास मुंह फुला के आ गई? वो फिर कोई नया पंगा हो गया है क्या? मेरी बात माने कुकू मामू, ये मेहंदी वेंदी का फंक्शन कैंसिल करे, फुजूल ड्रामे का रखे दोनों घरों ने। असफी तुम्हें ये सब ड्रामा लग रहा है? नहीं भाभी, सोप सीरियल लग रहा है, वो भी 1000 किस्तों का। जबान की लंबाई देखे तरह इसकी। मुझे नहीं आ रही आखिर ऐसी कौन सी बात इतनी नागवार लग रही है शहंशाह अस्फंदियार को। नागवारी की तो बात है मम्मी, हम अपने सगे मामू और सगी पप्पू की शादी का फंक्शन भी एंजॉय नहीं कर सकते। तो बेटा जी करो ना एंजॉय, एंजॉयमेंट से किसने मना किया है? बस ये असली वाली ना पोली पोली टोलकी भी जाना बंद कर दे। आप प्लीज ये शक करना बंद कर दे मम्मी, खामा खा की पाबंदियां लगा रखी हैं आपने। यहाँ खड़े नहीं होना, उससे बात नहीं करना, भाई वो मुझे फूक मार के उड़ा थोड़ी देगा। अरे ऐसी कौन सी जादूगरनी है वो जो दीवार पे मक्खी की तरह चिपका देगी मुझे? और मुझे एक बात बताएं, आप सब लोगों को डर किस बात का है? डर इस बात का है कि कहीं मेरी शादी सुकून से ना हो जाए, इसलिए सब तुले में मेरे सारे फंक्शन पर बात करने पे। पिट्टो होनु खुश, बर्बाद तो कर दिया फंक्शन, चोर बनाकर रख दिया मुझे। अरे भाई किस चीज का खौफ सता रहे हैं आप लोगों को? अरे बेटा इनको खौफ ये है कि दोनों घरों के इख्तलाफात खत्म ना हो जाए, ये लोग अपनी दुश्मनियां अगली नस्लों तक मुंतकिल करना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है अब्बा। अच्छा अगर ऐसा कुछ नहीं है शर्जी मियां, तो अपनी बेटी पर एतबार नहीं है या वाकई बिट्टो की खुशी को बर्बाद करना चाहते हैं? अरे मुझ पर ही एतबार नहीं अब्बा मियां, ने तो आप ही समझ लिया मुझे, 1000 दफा बता चुकी हूँ, अगर असद मुनि ने इस दुनिया का आखिरी लड़का भी होगा ना तो मुझे फिर भी उसमें जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा तो फिर क्यों तेरे आसे पासे घूमता रहता है वो हर वेले? अम्मी आसपास घूमने का मतलब हमेशा इश्क आशिकी नहीं होता। अरे मैं लानत भेजता हूँ ऐसे इश्क आशिकी के चक्रों पर, और मेरे लिए क्या बॉय रह गई है? क्यों उसमें कौन से कीड़े पड़े हुए हैं? खैर कोई गेंदे दे फूल भी नहीं लगे हुए। अच्छा सलीका अब बस कर दो ये फजूल बहस। नहीं आप सब लोग मुझे बता दें कि मेरे लिए क्या हुक्म है, क्योंकि अगर ऐसी पाबंदियां लगी ना तो मैं नहीं अटेंड कर रहा फंक्शन। क्यों तुम क्यों नहीं करोगे? तुमने जो कुछ करना है अपने दोस्तों के साथ मानों के साथ मिलकर करो, मैं भी देखती हूँ कि कौन रोकता है तुम्हें। हसब खुदा का मेरी बेटी का दिल दुखाना तो फर्ज बना लिया इन्होंने। ठीक ही तो कह रही है भी अम्मा, 2 दिन के फंक्शन में खुदा रहा आप लोग तो दिल बड़ा करें। मेरे वालों तो सारे जाओ खूब जाओ मुबारक हो, दुश्मन की औलाद के साथ नाच गाना एंजॉय। चले मुनीर जी। बस चुप सब, बेटा तुम बुलाओ अपने दोस्तों को और खूब एंजॉय करो, मना करेगा ना तो फिर मैं देखूंगा। मजबी इश्क हमेशा अपनी लुच डाल देते हैं। तनु आप ही प्लीज सज्जी भाई कुछ समझाइए नहीं। तनु तुम चुप करो, मुझे पूरा भरोसा अपनी बेटी पर, बस बेटा वहां पर जाकर डांस वांस नहीं कर है? इस भरोसे का बहुत शुक्रिया। थैंक यू भाई। किस बात के लिए? मुझे समझने के लिए, मुझ पर ट्रस्ट करने के लिए, वरना मान तो मुझे किसी और पर था। अच्छा तो अब मैं और हो गई हूँ? नहीं, और तो आपने बना दिया मुझे,
युपत को मां नजरों से देखकर। दिल पर ले गए वो। बहुत बड़ा आदमी जो बन गए, भाभी की जरूरत थोड़ी होगी अब उसे। जिस पर मान होता है ना, उसी से तो गिला करता है इंसान। फनाज वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ रहा। सच बताओ निधा, तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू मानो के हवाले से बहुत ही जालमाना है। सगी बहन है वो तुम्हारी। मानती हूँ वो मेरी सगी बहन है, खुदा की कसम मुझे उससे बहुत प्यार है, लेकिन उसे रंजिशें खत्म नहीं करनी चाहिए थी। मगर नहीं, उसने तो रिश्तों को जोड़ने की बजाय तोड़ना ज्यादा मुनासिब समझा। मैं गलत नहीं समझता उसे, वो तो सिर्फ और सिर्फ वही कर रही है जो उसके पेरेंट्स को ठीक लग रहा है, जो तुम्हें नहीं लग रहा था। मगर मैं गलत को ठीक नहीं कह सकती फराज। तो तुम्हारा ठीक उनकी नजर में गलत है, इसलिए जो मानो कर रही है ना, उसे गलत मत समझो। मैं मानो को तो छोड़ सकती हूँ, लेकिन अस्ती को थोड़ी छोड़ सकती हूँ। जानता हूँ मैं, लेकिन उसे भी तो अपनी नजर से देखने दो ना, दुनिया को समझने की कोशिश करो। चलो अब देर हो रही है। ये अचानक इस दोस्त की भांजी ने सुसाइड कर ली? और वो तुम्हें डरा रहा था अपने बहनों बहनों। पता था मुझे, वैसे बहुत ही बड़े ड्रामेबाज बन गए हैं आप। कमबख्त मोहब्बत करवाती है सब कुछ। अल्लाह बचा ऐसी अफलातूनी मोहब्बत से। ब्लैक कॉफी पियेंगे? ब्लैक कॉफी ना पिलाओ मुझे, अपने मामू की ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी में थोड़ा कलर ही भर दो। मतलब? बात करा दो मेरे बिट्टो से। उनका फोन तो सलीका चच्ची के पास है, परसों ही मिलेगा। अश्विन का फोन भी उन्हीं के पास है क्या? चले लॉन में चले, बात कराती हूँ आपकी। क्या याद करेंगे मामू। लग तो वाकई प्रिटी रही है जंगली बिल्ली। भाई बड़ी कोई शैतानी उम्र पाई है तुमने। लगते हैं दो चार पसलियां तोड़ दी है चची ने तुम्हारी। इतनी जल्दी मार खाने वाला होता ना, तो अब तक चालीसा पढ़ा चुकी होती तुम। इतने अहम नहीं हो तो मेरे लिए। अच्छा बाय द वे, कल आ रहे हो ना तो मेरे घर डांडिया प्रैक्टिस के लिए? ताया ताई कहीं हनीमून मनाने तो नहीं चले गए नॉर्दर्न एरिया? अगर चीप बातें करने पर टैक्स होता ना, तो यकीनन तुम्हारे बाबा कंगाल होते। और फिर तब हमारी गाड़ियां तुम्हारे बाबा खरीद रहे होते। बकवास बंद करो अपनी, और बेटो पापा को फोन दो, कुकु मामू से बात करवानी है। बात कर। अपने मजनू मामा को बोलो एक दिन इंतजार कर ले, परसों वैसे ही रुखसत होके आ रही है ना बेटो पापा। जी बेटा जी, जब तुम मोहब्बत करोगे ना, तो तुम भी मोहल्ले के तमाम छतों पे फैलाते हुए नजर आओगे। कसम ले ले कुकु मामू, एक भी सुर की लड़की नहीं है पूरे इलाके में, इसलिए छतें फैलाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों टाइम वेस्ट कर रही हूँ मैं? तो बात तो कराओ ना अपनी फुप्पो से। अपनी फुप्पो से या आपकी बिट्टो से? मेरी बिट्टो से। चलें फिर, आपकी बिट्टो की खातिर कोई ना कोई जुगाड़ लगाते हैं। आप ऐसा करें, 5 मिनट बाद कॉल करें मुझे। हाँ भाई, करा रहे ना, बात हो रही है ना। स्टोर में जाके बात करनी, इतनी गर्मी होगी अंदर। अच्छा तो फिर आप ऐसा करें, अपने मुन्ने भैया के कमरे में चली जाएं, उनका ऐसी बड़ी फिट कूलिंग करता है। मुझे ही ठंडा कर देंगे गोली मार के, लॉन में चली जाऊं। हाँ, ताकि अम्मी का खून गर्म हो जाए। उन्होंने देख लिया ना तो मेरे फोन की हड्डी पसली एक कर देंगी, वो पहली बड़ी मुश्किल से लिए। क्या मुसीबत है यार, इंसान अपने शौहर से भी बात नहीं कर सकता। अच्छा है ना। अरे बिट्टो आपा फोन तो लेती जाए। आप कहाँ जा रही हैं? तेरे प्यो के लिए नरम तकिया लेने, कि सारी अच्छी स्लीप चली गई है ना, ओढ़ गई है शादी के सियापे की वजह से। शर्म नहीं आती? प्यो तो मजाक उड़ाना पिया है। नहीं नहीं मेरी ये मजाल, मैं तो कह रहा था कि आप जाए ना, मैं ला दूंगा। है ना मक्खन, शक हो रहा है मुझे, तू मेरी औलाद नहीं। शक आपको हो सकता है, मुझे नहीं। आप तो मेरी डार्लिंग मॉम है ना यार, कितना मस्का लगाता हूँ मैं।
आप जाएं, मैं ला देता हूँ। अच्छा ठीक है, फिर दो ले आ, मेरा भी मोटा भींगा हुआ है। ठीक है, जल्दी ला। खैर है मानो, हैं? रात के 9:45 बजे यहाँ बैठ के क्या कर रही? कहा था ना बड़े बड़े मग कॉफी के ना डकासा कर, अब नींद नहीं आ रही ना तुझे? अम्मी वो ना, मेरा दिल बहुत घबरा रहा था इसलिए मैं बाहर आ गई। तू किनको, तू कौन सा चिल्ला काट रहा रात को? वो ना मेरा भी दिल घबरा रहा था, सोचा बाहर आ जाओ। अटेंड कर ले कुकू, अटेंड कर ले फोन, मुझे लगता है पड़ोस में भी किसी का दिल घबरा रहा है। बात करके अंदर आ, और तू भी अंदर आ। ये कौन से मोती बिरोती रही हो रात भर, जो इस तरह से आंखें सुर्ख हुई हैं तुम्हारी? अम्मा वो नींद नहीं आई रात को। तो जाओ जाकर 2-4 घंटे सो लो, रात को फंक्शन है मेहंदी का। बिट्टो अल्लाह खैर करे, आंखें देख जरा अपनी, इतनी रेड हो गई हैं। हाय कोई इन्फेक्शन तो नहीं है? हाय मुझे ना लग जाए। अल्लाह ना करे भाभी, मैं भी जाके ड्रॉप्स डालती हूँ। जल्दी से जाकर लगा ले, वरना लोग कहेंगे एन शादी के दिन दुल्हन की आंखों में खून उतरा था। बस करो तो। असली चीनी वाला पराठा बना दो। नहीं मैं अम्मी के हाथ का खा लूंगा। हाय मैं देख रही हूँ कल रात से जोर का लाड आया हुआ है, अल्लाह ही खैर करे। अशफी नाश्ता करके अब्बा मियाँ के पास चले जाना, बड़े उतावले हो रहे हैं, 2 बार फोन कर चुके हैं सुबह से। क्या करने जाना है अभी अम्मा? मेहंदी के फंक्शन की कोई तैयारी करनी है ना मानो के सब दोस्तों के साथ। अब निदा बेटा वो फरात का है, उसे बोलो कि वो शादी के हॉल का चक्कर लगा के आए नाश्ता करने के बाद। जी चाचा। अस्सलाम वालेकुम अब्बा मियाँ, ये बिट्टो को आप जहेज में गिटार दे रहे हैं? अरे नहीं भाई। फिर किसके लिए लाए अब्बा मियाँ? ये चाचू का ही होगा। हाँ भाई तुम्हारे चाचू का है हमारी तरफ से, और देखो तबस्सुम जहाँ अपनी औलाद को बता दो कि हमारे अपने पैसों का खरीदा हुआ है, इसको जो तोड़ने की कोशिश करेगा तो समझो अपने बाप का दिल तोड़ा। लो मियाँ पकड़ो लो। थैंक यू मियाँ, थैंक यू। रीते रहो। क्या जरूरत थी अब्बा? देखो तीन यहाँ जरूरत तो तुम्हारी भी नहीं थी हमें, लेकिन अल्लाह ने दिया, हमने रजा उसकी मांग के कबूल कर लिया, तुम भी कबूल कर लो। सलीका अपने अब्बा को रोटी के ऊपर देसी घी लगा कर दो। मेरा ख्याल है मैं सबके लिए परांठे बनाती हूँ, सभी के दिमाग खुश्क हो गए, लेकिन सबसे पहले मैं आई ड्रॉप डाल रही हूँ, आंखें फड़क रही हैं। हाँ भाई कैसा है? ठीक है ना? लव यू। अच्छा तुम लोग याद है ना सारा कुछ? हाँ भाई सारे आ गए हैं। हाँ हाँ सब आ गए, ये लो। अच्छा तुम्हें बात सुन, हाँ ये परफॉर्मर तो अपने अच्छा परफॉर्म करेंगे ना? अरे बेफिक्र हो जाएं, कमर्शियल में, फिल्म में, थिएटर में, हर जगह यही होते हैं मेरे भाई। पक्की बात है? हाँ पक्की बात है। अच्छा मेरी इज्जत रख लेनी है, ठीक है? सैफू ने आपकी बहुत तारीफ की है। अरे आप बेफिक्र हो जाएं, आपको भी सिखा दूंगा, और जिस जिसको आप कहेंगे उनको भी सिखा दूंगा, पूरी महफिल में बस आप ही नजर आएंगे। ना करे, अच्छा ये ना हो कि सिर्फ मैं ही मैं नजर आ रहा हूँ, कोई 1-2-3-4 पीछे लोग नजर आने चाहिए। हाँ हाँ ये लोग हैं ना, ये लोग आपके साथ करेंगे, बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। पक्की बात है? हाँ अच्छा पक्की बात है। लोग थोड़े आप ज्यादा ले आएंगे, बजट का रोला तो नहीं? नहीं 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 बजट की कोई बात नहीं, फैमिली का प्रोग्राम है भाई, बजट की क्या बात है? क्या बात है, ये बात करके मेरा दिल जीत। ब्रो ब्रो इतनी बातें करनी है तो घर ले जाओ, हाँ प्रैक्टिस कर ले। अरे घर पे बुलाया तो ब्रो आ गए ना, अभी करवाते प्रैक्टिस, टेंशन नहीं लेने। बात है चले चलो चल भाई। अच्छा बच्चे आ रहे, ठीक है आपने टेंशन नहीं लेनी, अपने बच्चे अच्छा सीख देना, इनको सिखाना ठीक है। स्टेज तोड़ देंगे। और मैं हाँ मैं बिरयानी नहीं खाता, टिक्का खाता हूँ, डाइट पर हूँ। हाँ दोनों से नजर आ रहा है आपकी, ठीक है थैंक यू, अल्लाह हाफिज। क्या कर रहा है? अच्छा मेरी बात सुनो, डांडिया मेरा और महानूर का ग्रुप बनेगा। किस खुशी में? मैं तुम दोनों को क्या भरोसा, डांडिया करते करते एक दूसरे का डंडा टोली स्टार्ट कर दो। अब इतने भी इडियट नहीं है हम, क्यों मानो? ये तो खैर तुम लोग अब डिसाइड करो कि क्या करना है, मैं तुम लोग के लिए जूस लेके आती हूँ। चल कोहरी क्या कर रहे हो, पहले इसको तो सीधा पकड़ो ऐसे। नहीं आपको क्या हुआ? सुदीका के मुंडे को देख देख के ना इतनी सख्त मुझे कचीचियां चाट रही है। अल्लाह अम्मी अब फिर से शुरू हो गई है। पुत्र मैं शुरू हुई होती ना तो इन्होंने घर से बाहर होना था, अभी तो मैं शुरू नहीं हुई।
उसको बर्दाश्त तो करना ही पड़ेगा दो दिन। अम्मी बुरी बात है, मेहमान है, बर्दाश्त कर ले। ये तू क्या कर रही है? जूस लेके जा रही हूँ सबके लिए। आए ठंडे जूस ना पिला उनको, जहर डाल के दे, प्यो का सारा राशन खत्म कर देना इन भरूसों को खिला खिला के। अम्मी सुनो, तुम अपना पैर गौर के साथ नहीं बनाओगी। मेरा पैर किसके साथ बनेगा इसका फैसला मैं करूंगी। Go to hell then. क्या कर रहे हैं यार? सही से नाच। तेरी बंदरियां जो डंडा मार मार के नचा रहे हैं। चलो कौहर किधर मर गया तू? यार बस आ रहा हूँ, मानूर की कॉल आ गई थी तो उसको पार्लर से पिक करने आया हूँ। पार्लर पहुंचा हुआ है? हाँ यार, अब मानूर की कॉल आ गई थी तो उसको मना थोड़ी कर सकता हूँ। अच्छा जल्दी यहाँ पहुंच, सब वेट कर रहे हैं। हाँ बस आ रहा हूँ। असफी, मेहंदी की सारी चीजें रेडी है ना? जी। नाराज हो मुझसे अभी तक? अरे नहीं भाभी, आपसे कैसे नाराज हो सकता हूँ मैं। अरे निदा, ये जाके अपनी बी अम्मा को दे आओ। आप खुद दे देना, खुश हो जाएंगी। अरे हम दे तो दे, लेकिन हमारी औलाद नाराज हो जाएगी। खैर हम दे आते हैं, छोड़ो। तुम्हें बुला रही हैं? अच्छा अच्छा। अस्वी डांडिया, तो किसकी गाड़ी में रखी है? अब शायद गौहर की गाड़ी में। यार जाकर देखो, हमें जरूरत होगी। मेरी अभी उससे बात हुई, आ रहा है बस वो। करो अब गुड़ ना। क्या हो गया यार, प्यारी लग रही हो आज। चार दफा बोल चुके हो तुम मुझे ये, और अब तो असपन को भी शक होने लगा तुम पे। किस चीज का? यही कि मैं तुम्हें बहुत अच्छी लग रही हूँ। उसमें से क्या इशू है? उससे इशू नहीं होगा, लेकिन मुझे तो बहुत इशू होगा। यार कम ऑन यार, मेरी ये टेंशन नहीं है। गौहर यार, डांडिया से एक सही गाड़ी में है। अच्छा दो मिनट रुक, मैं लेकर आ रहा हूँ। Oh.
प्यारी लग रही है। थैंक यू। वो देखे जो आपने मुझे लेके दिए थे ना, ये तब के हैं। उसको देखे सलीका को कैसे माल मार के बैठ गई स्टेज के। आए वो, ये कौन है? अरे भाई क्या होगा, तुम आखिरी रस्ते करो ना आगे। अब्बा जी मैं नहीं जा रही है, फिर खाम खा जो है ना वो लड़ाई होगी। देखिए सनीका को कैसे जो है वो पूरे स्टेज पे कब्जा करके बैठी हुई है। मैं नहीं जा रही है, फिर ऐवी लड़ाई होगी। हाँ ये वक्त फिर कोई लड़ाई झगड़े, तुम तो चलो। आप चले, मैं आ रहा हूँ। हाँ अरे हम आ रहे हैं ना। हाँ इतने प्यारे लग रहे हैं अब्बा जी, वैसे ही अच्छे लग रहे हैं। हाँ सोने। अरे आओ। हाँ तस्वीर तस्वीर। हाँ आए। हाँ भाई कुकु मियां, कैसा लग रहा है? 5 साल का इंतजार का फल मिल गया ना तुम्हें? ये आपकी वजह से अब्बा मियां। अरे हम ना कराते तो 5 साल और इंतजार में गुजार देते हैं। ए, मुझे ये बात समझ में नहीं आपकी कि ये इतना खुफिया क्यों था? भाई खुल के बताते निकाह करवा रहे हैं तो ऐसी कौन सी आफत आ जाती? अम्मा मैंने कहा भी था अब्बा को कि मैं अम्मा की रजामंदी के बगैर इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकती, पर आपको पता ही है इन्होंने मेरी एक नहीं मानी। क्या करे, हालात ही ऐसे थे, हम ना कराते तुम्हें पड़े जाते हैं। कोई ना कोई शरारत आपने जरूर कर। चलो बस अल्लाह ताला खुश रखे तुम लोग को, भैया आबाद रहो। हाय सॉरी, मैं संध्यार मुनीर, दुल्हन का भतीजा। एक फेवर थी आपसे। जी बोले। वो जो सामने लड़की खड़ी है ना, उसकी प्लीज अच्छी सी सोलो पिक्चर्स ले लीजिएगा। हाँ ठीक, थैंक यू बॉस। मानो खाला आप बहुत प्यारी लग रही हैं। और मैं? आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू। यू वेलकम। चुटकी, बड़ी मुश्किल से मिले हैं आपके बलून, ये एक आपका और एक आपका। ये क्या है? ड्रेस है तुम्हारा। और वो क्या है? वो भाभी का ड्रेस है, लेकिन तुम ज्यादा क्यूट लग रही हो। चुप रहो,
तुमने जानबूझ के हरकत की है ना? हाँ, मैंने सोचा था अच्छा होगा। मुझे पता होता ना, मैं कभी नहीं खरीदती ये वाला ड्रेस। तुम क्यों ओवर रिएक्ट कर रही हो मानो? सगी बहन है वो तुम्हारी। मैं नहीं बनना चाहती उनके जैसा। ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया उन्होंने? मेरे अम्मी बाबा का दिल दुखाया उन्होंने, और मैं नहीं उनके जैसा बनना चाहती। तो फिर क्या करोगी? गौर के साथ घर जाऊंगी और चेंज करके आऊंगी। पागल वागल तो नहीं हो गई हो तुम? हाँ मैं पागल हो गई हूँ। अब मेरे रास्ते से हटो ना, तुम्हारा सर फाड़ दूंगी। मैं तुम्हें घर जाना है ना, मैं ले जाता हूँ। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। और मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा गौर के साथ रात के इस वक्त। क्यों, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारे साथ? प्रॉब्लम असल में तुम्हारे साथ है मानुषा। तुम अपनी बहन की नफरत में इतना आगे बढ़ चुकी हो कि तुम भूल ही गई हो कि मेरी पसंद से लिया था तुमने ये ड्रेस। अच्छा, तो अपनी पसंद का ड्रेस पूरे शहर की लड़कियों को पहनाओगे क्या? तुम दोस्त तो मेरी हो, वो भाभी है। मैं सिर्फ क्लास फेलो हूँ तुम्हारी। हाँ, उससे मैं हर रिश्ते से इनकार कर देना पुरानी आदत है तुम्हारी। Is everything all right? हाँ, तुम जाओ, मैं मानो से बात कर रहा हूँ। मैं तो जा ही रही हूँ भाभी के साथ ड्रेसिंग रूम तक, उनको ड्रेस चेंज करना है अपना। क्यों यार, छुटकी ने मेहंदी का दाग लगा दिया उनके कपड़ों पर। मैं आती हूँ 10 मिनट में, फिर खेलते डांडिया। सुनो, मेरे साथ घर चलो, मुझे अपने कपड़े चेंज करने। अरे अब क्या जरूरत है ड्रेस चेंज करने की, जब वो चेंज कर रही हैं। खुश हो जाओ तुम, वैसे क्यूट लग रही हो। हाय रुके, मुनीर जी। जी सर। अच्छी तरह लो ना, क्लोज अप लो हम दोनों के। ले भी लो। हाय हाय, इतने मुबारक दिन में भी देखा है किस तरह से बुत करेला बन के बैठी हुई है मुंह से जाके। छोड़ो हमें क्या। हाँ दफा करो। वैसे मुनीर जी, मैंने आपको कहना था, आप बड़े हैंडसम लग रहे हैं। हूँ क्या? हूँ का मतलब हूँ। और मैं, how I'm looking? तुम भी लग रही हो। कैसी? अच्छी? गलती फौरन नोट करते हैं, तारीफ भी कर लिया करें। वैसे कितनी प्यारी लग रही हमारी बिट्टो। माशाल्लाह, हमारी बिट्टो की भी शादी हो रही है। बहुत जल्द हम हसफू की भी कर देंगे हैं? और फराज की तो हुई भी है। और फिर जो करोड़ साल पहले आपने मुझे वादा किया था ना हनीमून का, फिर हम उस पर जाएंगे। मैंने तो सारी जगह भी सिलेक्ट करनी है, स्विट्जरलैंड, ऑकलैंड, इंग्लैंड। सखर ले जाए बड़ी बात है। नहीं, सखर में तो बड़ी गर्मी होती है। तो मेरे को गलत फहमी हुई है निदा, वरना जोड़ों जैसे जोड़ा तो होते ही हैं दुनिया में। इसने कहा होगा उसे वैसा जोड़ा खरीदने को, है ना अश्री? ये बोंगे तुमने मारी है। मेरा दिमाग खराब है? बल्कि इनकी बहन ने भी यही फिल्म चला रखी है कि मैंने जान पूछ कर सिर्फ उसकी नकल उतारने के लिए भाभी के लिए ड्रेस लिया। जो भला हमें क्या जरूरत है नकल मारने की। पिट्टो आपा, बताए ना इन्हें, आप ही के साथ तो खरीदा था ड्रेस, अब उस जंगली बिल्ली ने भी वही ले लिया, तो उसमें मेरा क्या कसूर? हाँ निदा सॉरी, मुझे भूल गया, वो शादी की एक्साइटमेंट में मेरे साथ ही लिया था इसने जोड़ा। हाँ भाभी यार, नाराज तो मत हो। सच कह रहे हो तुम? मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? आपने अभी चेंज कर लिया ड्रेस, इतना सूट तो करा था आप पे। वो तो मानो की वजह से चेंज कर लिया, उसे जो अच्छा नहीं लगा। अच्छा छोड़ो निदा, मट्टी डालो। ऐसा करो, तुम और फराज ने डांस फ्लोर पे तो आओ, एक आइटम नंबर हो जाए। बिट्टो आपा नहीं, मेरी शादी आज सब डांस करेंगे। चलो उठो, कहाँ है? खुदा के लिए भाई, दबी भी राख से नई चिंगारी मत निकाले, बड़ी मुश्किल से ही सिचुएशन हैंडल किया। चलो आओ एक सेल्फी लें। हाँ कुछ आंदा है, इश्क दी गल क्यों
छेड़िए जोड़िया वे जोड़िया वे जोड़िया बाबा दे का टोरिया जोड़िया वे जोड़िया वे जोड़िया बाबा दे का डोरिया ला डोरिया कुंडी न लड़े आई दे छोटा देवरा पापी न लड़े ले मैं कुकड़ी ओ लैनी जेड़ी कुड़ कुड़ कर दी सौर नहीं जाना सस बुड़ बुड़ कर दिए काला डोरिया वे काला डोरिया काला डोरिया वे काला डोरिया कच्ची पक्की डोरी है तेरे और ही खींचे सब बहुत अच्छा कर लेते हो तुमने क्यों नहीं किया यार तो पता ही है ना घर के सिचुएशन का अच्छी लग रही हो वैसे लाइन मार रहे हो मुझे लाइन का तो पता नहीं लेकिन 60 सेकंड में 160 बार दिल जरूर धड़का है मेरा तो फौरन डॉक्टर के पास जाओ चलोगे साथ दिल तुम्हारा धड़क रहा है मेरा नहीं पियो पार मानो जी अम्मी अरे अल्लाह तू यहाँ पे खड़ी हुई है ये गौर की अम्मी तुझे कब से तलाश कर रही थी तलाश तो आज मेरी खत्म हो गई मिस शुजा ना क्या मतलब भाई खामखा पूरे शहर में रिश्ते ढूंढती रही यहाँ तो वही मामला हो गया बच्चा बगल में और ढंडोरा शहर में खुल के बात करें मुझे समझ में नहीं आ रही है भाई साफ बात करूंगी अपनी मानो को बना देना मेरे गौर की दुल्हन अगले महीने ही बारात ले आऊंगी अच्छा नहीं नहीं जरूर जरूर क्यों नहीं है खड़े पिंडों तो नहीं आया ना रिश्ता आराम से घर आइएगा इस जरा बिट्टो की शादी का पेट से आपा मुक जाए फिर बैठ के आराम से मानो के ब्याह की बात करेंगे जी जी बिल्कुल जैसा आप कहें हाँ बस ठीक हो गया फिर मैं अभी आती हूँ अच्छा बड़ी प्यारी है मेरी बेटी चले आए ना खाना तो खाए आए 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 इधर आए आए तेरी कौन सी भैंस चुरा ली है मैंने इतना घूर घूर के देख रहा है बड़ी कोई फास्ट सर्विस चल रही है तेरी कल लड़की क्यूट लगी आज सीधा प्रपोजल भिजवा दिया वाह एक्सेलेंट कौन सी लड़की ये लड़की इतनी अच्छी किस्मत मेरी कहां शट अप तू दोस्ती की आड़ में हमारे खानदान की लड़कियों को ताड़ा था शेम ऑन यू मानो ये पागल वागल तो नहीं हो गया मानुष शुजा नाम है इसका मानो इसे सिर्फ फैमिली के लोग कहते हैं पहली बात तो ये कि मुझे उस रिश्ते की दास्तान का कोई इल्म नहीं है और दूसरी बात क्लोज फ्रेंड भी फैमिली होती है क्यों मानूर शुजा तुमने कहा ना अपनी अम्मी को मेरा रिश्ता देने के लिए तुम्हारे जी एक्टिंग चेक करो इसकी तुम चुप रहो मुझे बात कर लेने दो इससे बताओ तुमने बोला है ना यार इतनी बड़ी बात मैं तुमसे पूछे बगैर किसने कर सकता हूँ लेकिन आपकी अम्मी कर चुकी यार अम्मी भी ना उनका बस चले मुझे रातों रात सहरा पहना दे अल्लाह की कसम यार मुझे नहीं पता किसी चीज का अच्छा ऐसी बात है तो मना कर दे क्यों मानूर के घर रिश्ता भेजे ना अगर वो मना करे तो बनता है तू किस खुशी में अब्बा बन रहा है सही कह रहा है गौहर प्लीज तुम बीच में मत बोलो ठीक है मैं ही निकल जाता हूँ बीच से यार किसे क्या हो रहा है तुम तो इधर जरा देखो बताओ मुझे ये क्या हरकत की है तुम्हें क्या हुआ है कुछ नहीं कुछ टेंस लग रहे हो ऐसी कोई बात नहीं है खैर
कुछ तो हुआ है वो अलग बात है, तो मुझे बताना नहीं चाह रहे। कोहल की अम्मी ने रिश्ता मांगा है मानूर का। अरे अब तुम्हारे हाथ से क्यों चीजें गिरने लग गई? तुम्हें किसने कहा? मुझे किसने कहना है, मेरी आंखों के सामने ही तो बात की है उन्होंने। तुम्हारे सामने? और नहीं तो क्या, पहले पता होता ना तो वीडियो बना लेता इस यादगार मोमेंट की। अस्फी मुझे और बच्चों को घर छोड़ा, बच्चों को बहुत नींद आ रही है। खाना खा लिया आपने? हाँ, तुमने खाया? मुझे भूख नहीं है। फराज भाई किधर है? वो तो अब ये सारी चीजें समेट के आएंगे, बस तुम हमें ड्रॉप कराओ। चलें, लेट्स मूव। चलो।